मेरे ख्याल से वो लास्ट ऑफ मोहिकन्स जो था ना, वो लास्ट ऑफ सुपर मॉडल्स भी तुम ही थी एक आखिरी सुपर मॉडल. क्या वजह है कि अब की मॉडल्स वो सेलिब्रिटी नहीं बन पाती, वो एक रट में आके मिक्स होके ख़त्म हो जाती हैं? तुम्हारे बाद मेरे ख्याल से तुम और आमना बाबर के बाद मुझे कोई सुपर मॉडल बनता हुआ नज़र नहीं आया. अच्छा इफ़त, मुझे लगता है कि ये टाइम लेता है. मॉडल आप ओवरनाइट नहीं बन सकते. अब लड़कियां आती हैं वो ओवरनाइट, एक तो सक्सेस मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है कि शोहरत जल्दी मिलती है, पैसा जल्दी मिलता है, मेहनत कम होती है. तो मुझे पूछना ना कितने साल हो गए, प्लीज मेंशन भी ना करना अभी. ओके, मैं नहीं पूछती. फिर वो एज है, फिर वो चीज़ें नहीं. 10 साल से ऊपर हो गए हैं इस फील्ड में इफ़त, मेहनत की है, हमें देखा है, हमने दिन रात काम किया है. पैसे से ज़्यादा आई थिंक हमें शौक होता था कि अच्छे से अच्छा काम करें, और हम अपने बड़ों की इज्जत करते थे. एटीट्यूड तो सिर्फ एज ए मॉडल पता होता था कहाँ पे देना है, लोगों को नहीं देते थे. तो मुझे लगता है मेहनत करने से और टाइम देने से सुपर मॉडल का नाम आपके साथ लगता है. So बहुत मेहनत के बाद तो कहते हैं ना कि शक्ल बस अच्छी हो, कद लंबा हो तो फिर जरूरत ही नहीं, जहानत की तो उसमें जरूरत ही नहीं. ऐसे हो तो फिर हर कोई मॉडल ना हो. ये तो है, ये एक बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि खाली मॉडलिंग में आपकी शक्ल नहीं काम आती है. ओवरऑल आपको एज अ मॉडल एक ब्रांड की विजन को समझना पड़ता है. आपको पता होना चाहिए कि आप किसका शूट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इट्स अबाउट रैंप पे अलहदा है, प्रिंट में अलहदा है, शोज़ में अलहदा है, उसके अलावा आप टीवी पे जाते हैं. तो मॉडलिंग इज अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग. हाँ, इतने से टाइम में आपने पूरी स्टोरी एंड ऑफ कोर्स आप एक्सप्रेशंस के साथ भी, और ऊपर से आपको ये भी देखना है, बिकॉज सुपर मॉडल बनने के लिए खाली आपको अपना आप नहीं दिखाना होता, आपको उस ब्रांड का विजन, उनकी मेहनत वो दिखा रहे होते हैं. इवन आप एक जोड़ा जब पहन के जाते हैं, वो एक डिजाइनर के 6 महीनों की एफर्ट होती है. सो आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, इवन आपको एक एक पल्लू उसका देखना पड़ता है कि किस पल्लू पे उसके काम है जो आपको दिखाना है ऑडियंस को. तभी, क्योंकि सुपर मॉडल आप पहले इंडस्ट्री में बनते हो, फिर वो इंडस्ट्री के लोग आपको लेना शुरू करते हैं जब उनका काम चलता है. बिकॉज आप जो चीज़ पहन रहे हो वो उनका ब्रेड एंड बटर है, वो बिकेगा और वो चीज़ बढ़ेगी तो आगे से वो ग्रो करेंगे. और आप उसकी मार्केटिंग ऑफ कोर्स मार्केटिंग हम कर रहे हैं, एम्बेसडर हैं, एंड यू हैव टू लुक गुड शक्ल के साथ साथ, और उनका ब्रांड भी अच्छा है. और उसके अलावा ज्वेलरी, कपड़े, ये डिफरेंट चीज़ें हैं. तो कई जगहों पे आपको अच्छा लगना होता है, कभी आपको उन ड्रेसेस को अच्छा दिखाना है रादर देन योर फेस. सो इट्स ओवरऑल एक पैकेज डील होती है जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल होता है. एनी वेन रैम्प के ऊपर भी जब आप चल रहे होते हो, आपको भी याद होगा 16-16 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. मुझे याद है मेहरीन, जब तुम लोगों की जो जनरेशन है ना, वो बीच में आई थी. तुम लोगों ने जब हम निकल रहे थे, तुम लोग तब हमें देख के इस मॉडलिंग की तरफ आना चाहते थे, तो तुम लोग आए और हम निकल गए, हम रिटायर हो गए. और अब जो ये नई लड़कियां आ रही हैं, ये दोनों का लिंक हो तुम लोग बीच में. बिल्कुल. तो तुम्हें कोई उस जमाने की मॉडल्स और इस जमाने की मॉडल्स में फर्क लगता है? नहीं, एक्चुअली अब सोशल मीडिया बहुत बढ़ चुका है इफ़त. अब जो इंस्टाग्राम पे है वो मॉडल है, ठीक है, तो इस सोशल मीडिया का और है. उस टाइम पे प्रिंट, अब तो हम प्रिंट में हार्डली मैगजीन्स देख रहे होते हैं. उस वक्त लिबास के कवर पे आना बड़ी बात होती थी. विसाज के कवर पे आ गए, लिबास पे आ गए, जितने भी ये ब्राइड्स एंड यू बड़े बड़े तो मैगजीन्स हैं. अब मैगजीन्स कहाँ है, ये डीवा, अब डीवा का ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है, बट उस वक्त डीवा के कवर पे आ रहे हो, तो हमारे लिए मैगजीन्स बड़ा मैटर करते थे, बहुत मैटर करते थे. शहजाद की जहाँ अल्लाह सेहत दे इनको, अच्छा शहजाद भाई मैं कब आऊंगी, एंड यू नो मैं 5 साल बाद पहले कवर पे आई थी. और इनिशियली जब शोज़ होते थे, मेरा पहला शो था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे शो से निकाल दिया गया था. Really? देखा, इसको मैं कपड़े दूँ? नहीं नहीं, इस मॉडल को नहीं मैं कपड़े दे सकती. एंड अक्सर ऐसे हुए, बड़े मेरे प्यारे डिज़ाइनर फ्रेंड्स भी हैं, वो कहते हैं यार ये मॉडल लुक एट हर, शहजाद हम इसको रैंप पे चलाएंगे. नो नो नो, शहजाद भाई कहते हैं यार एक जोड़ा दे दो इसको, एक जोड़ा दे दो. और वो भी मेरे लिए बड़ा होता था. एंड एक्चुअली इट्स वेरी इमोशनल समटाइम्स कि जो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, मैंने पॉजिटिवली उस चीज़ को लिया. एंड माशाल्लाह आज वो मेरे साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उस तरह से प्यार करते हैं. सो ये एक अचीवमेंट है मेरी, बिकॉज आई वॉज द ओनली वन जो बिल्कुल ग्रूम नहीं थी,
जो बिल्कुल एजुकेटेड उस लेवल पे नहीं थी. आई हैव डन माय बीएससी इट्स समथिंग एल्स, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की और सैयद फैमिली की जहाँ पर्दा बुरका था. मैंने ये पूछना था कि सैयद फैमिली की लड़की सुपर मॉडल कैसे बन गई. बस ये एक तो मैं कहूँगी कि ये मेरी माँ की मेहनत है. बिकॉज जब मैं इस फील्ड में आ रही थी तो इस फील्ड के बारे में डिफरेंट बातें की जाती थी और सैयदों को बिल्कुल इजाज़त नहीं थी और पर्दा बुरका बहुत फैमिली में था, तो पूरी फैमिली अगेंस्ट हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि आप ये नहीं करोगी. बल्कि मेरे पहले शूट के बाद मुझे काफ़ी मार पड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई थी. एंड देन माई मदर शी सेड टू मी कि आप बेटा क्या करना चाहते हो. तो मैंने अपनी मम्मी को कहा मम्मी मैं ये करना चाहती हूँ. एंड मम्मी ने आगे से कहा कि आपको बेटा अपनी लिमिट्स का पता है. मैंने कहा मम्मी मुझे अपनी सारी लिमिट्स का पता है, बट मैं बिकॉज इफ्फत उस टाइम पे माई फादर डाइड व्हेन आई वाज 3 इयर्स ओल्ड, तो मैंने अपनी माँ को बहुत मेहनत करते हुए देखा है. सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली ऑल माई लाइफ. जब मैं छोटी सी भी थी तो मैंने बहुत सफ़र किया है. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने हमें सफ़र नहीं करने दिया, बिकॉज मेरे फादर की डेथ के बाद भी बहुत मेहनत. यस, मेरी मदर लॉयर बनी मेरे फादर की डेथ के बाद. रियली? जी, और उन्होंने ट्रिपल एमए कोई उस टाइम पे किया और वो उनको पढ़ने का बहुत शौक था. बट साथ साथ उन्होंने 4 बेटियों को पाला. जो भाई था वो दादी के पास था, तो हम 4 बहनों को, एक बेटी को पालने वाले को जन्नती कहते हैं और मेरी माँ ने तो चार बेटियों को पाला है. एंड साथ साथ हमारी एजुकेशन का किया. तो मैंने जब आंख खोली तो मैंने घर पे अपनी बाकी बहनों को रम्मी को मेहनत करते हुए देखा है. तो यंग एज में मेरा दिल था कि मैं कुछ अपनी फैमिली के लिए करूँ. और मॉडलिंग का एक ऐसी चीज़ थी कि आई एम ब्लेस्ड के टॉल और उस तरह थी, और सबसे आई एम वेरी वेरी लकी कि मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला, मुझे अथर शहजाद मिले. सो जब मुझे पहले शूट के ऊपर 10,000 रुपया मिला, ओ माय गॉड, पर ये 10,000 की अमाउंट, आपको पता है मुझे पहले शूट पे क्या मिला था? क्या मिला? 500 रुपए. नहीं यार, 500 रुपए. 500 रुपए तो तुमसे मैं पहले भी. और मेरे लिए हमारा ये था कि मैं होम इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी और मेरी स्टडीज बहुत मुश्किल थी और मेरी अम्मी इनकम टैक्स में भी साथ साथ जॉब कर रही थी, साथ साथ लॉ भी कर रही थी, साथ साथ मेरी बड़ी बहन भी काम कर रही थी. तो हम सब बहनें भी होम इकोनॉमिक्स की स्टडीज के पैसे बहुत थे तो वो पूरे नहीं होते थे. सो मैं स्कूल के बाद से ही मैंने एयर होस्टेस में बन गई. सो मैं दिन में फ्लाइट कॉलेज जाती थी और रात में फ्लाइट्स करती थी. और साथ साथ जाहिर सी बात है हम उस टाइम पे फैमिलीज को चलाना बड़ा मुश्किल था. एंड आई जस्ट डिसाइडेड कि मैंने अम्मी ये करना है. मेरी मदर ने मेरा साथ दिया एंड शी नेवर, मतलब वो इतनी पावरफुल औरत, इतनी स्ट्रॉन्ग औरत मैंने अपनी लाइफ में देखी है. मैंने कभी उनको इफ़त जिंदगी में डाउन नहीं देखा. वो नेगेटिविटी को हमारे से बड़े प्यारे से बात करती थी. पहली दफ़ा मैंने अम्मी को कहा अम्मी मुझे ना लोग बातें कर रहे हैं, एंड मैं रो रही थी. तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा रो क्यों रही हो. मैंने कहा अम्मी वो मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं और मैं सुन रही हूँ. तो अम्मी कहती हैं आपने बेटा उनको थैंक यू कहा. मैंने कहा अम्मी ने शायद सुना नहीं सही तरह. आई सेड अम्मी वो मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे बुरा लग रहा है कि आपस में बैठ के इस तरह के सेशन कर रहे हैं कि दिल दुख रहा है. तुम बेटा मैं ठीक कह रही हूँ, उनको थैंक यू बोला. मैंने कहा अम्मी मुझे आप और अब तंग करिए. शी सेड बेटा जब कोई आपकी बुराई करता है तो वो आपकी नेकियों में इजाफा करता है. तो ऑलवेज से थैंक यू, क्योंकि तुम्हें दुनिया चाहिए कि आखिरत. मैंने कहा मैं आखिरत, बट दिल तो दुखता है. उनका दिल दुखता तब है, वो आपको जानते नहीं है. टाइम दो, रिलेशंस को टाइम दो, लोगों को टाइम दो, मेहनत करो, आपकी मेहनत बोलेगी. और 5 साल तक यकीन करें जब तक मुझे कोई जानता ही नहीं था. कहती मैं मॉडल, कहते जी कौन, मैं मॉडलिंग करती हूँ. कहा अच्छा. सो जब मुझे लोग जानते नहीं थे तो वो एक मेहनत इतनी कर रही होती थी, बुरा लगता था. तो मेरी मम्मी कहती थी बेटा रब दी जात बहुत बड़ी है, जस्ट वेट, सबर का फल मीठा है और आप मेहनत कर रहे हो वो छुपेगी नहीं दुनिया से. और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा पहला कवर आया उसी तरह वो मैगजीन्स का, तो मैं भागती हुई अम्मी के पास आई. अम्मी देखिए मेरा पहला कवर आया. माय मदर सेड ए कौन है ये. अम्मी ये मैं हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट फोटोजेनिक. एंड शी सेड बहुत प्यारी बेटा लग रहे हो. सो इट्स जस्ट लाइक के जब तक आपको फैमिली की सपोर्ट रहे और आपको पता है कि आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है. वो मैंने मेहनत जो अपनी माँ को, बहनों को करते हुए देखी थी, तो मेरा था कि मैं इनको कुछ करके दिखाऊं. और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, सो आई वर्क रियली हार्ड. साथ साथ मैंने जॉब की, साथ साथ मैंने स्टडी की. और इस इंडस्ट्री में आई थिंक आई वॉज द ओनली वन जो कि बिल्कुल मैच ही नहीं करती थी. और मैंने सीखा,
मैंने बहुत सीखा और मैं आज तक सीखती हूँ, और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब मैं लोगों को बताती हूँ कि आई वॉज़ द वन जिसके साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते थे, जिसके साथ शूट करना पसंद नहीं करते थे, जिसके बैठना हसीन होते थे आप लोग भी सब. तो मैंने पॉजिटिवली लिया इस फील्ड को एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की आगे आई. तो मैं लड़कियों को भी इफ्फत यही अब कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है. बट इसके लिए थोड़ी सी आपको पावर, मुझे मेरी माँ ने स्ट्रेंथ दी. एक तो आपको स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग औरत बनना है, और औरत होना फखर की बात है, ये सोच के काम करना है. अरे वाह, जबरदस्त. अच्छा मुझे ये बताओ कि अथर शहजाद को कैसे मनाया था, क्योंकि वो तो बड़ी उस जमाने में मुश्किल से मानते. अरे ये बात होने गई ना तो बड़ी फनी हो जाएगी. इट्स अ फनी स्टोरी. ओके. वो भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे. मुझे पता है उस जमाने में हम बहुत स्नूटी हो गए थे एकदम, पता नहीं हमें क्या